एक्सेल कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज आपका 4 अगस्त का पेपर आने वाला है RSCIT का, उससे संबंधित आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उसके लिए एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। और एक क्या दो पेपर आज और दो मॉडल पेपर कल मैं आपको दे दूंगा, और गारंटी की बात है कि उसी में से पूरा पेपर आ जाएगा, तो आपको परेशान होना नहीं है। अगर आपने आज तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की तो 10 मिनट की वीडियो ये होगी और 10-10 मिनट की 3 वीडियो और होंगी, तो आपको ज़्यादा से आधा एक घंटा पढ़ाई करनी है और गारंटी के साथ आप पास हो जाएंगे। किसी भी नकल के भरोसे आप रहिए मत। तो चलिएगा, पहला ही प्रश्न आप देखना है। यहाँ पर पेन का पूरा नाम होता है, तो यहाँ देखिए लिखा गया है पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क और प्रोफेशनल एरिया नेटवर्क, और यहाँ नीचे लिखा गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है पेन का पूरा नाम, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपके सामने राइट दे रखा है। नंबर दो दे रखा है, किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र की गति को किस में मापा जाता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे लिखा गया है हर्ट्ज में मापा जाता है, डॉट पर इंच में मापा जाता है, बिट पर सेकंड में मापा जाता है और उपरोक्त सभी में मापा जाता है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, आप जानते हैं यहाँ पर हर्ट्ज तो किसी ध्वनि को मापने की इकाई होती है, डॉट पर इंच स्क्रीन की रेजुलेशन को मापने की इकाई होती है, और उपरोक्त सभी यहाँ पर हम कर नहीं सकते क्योंकि दो गलत हैं, तो इस वजह से बिट्स पर सेकंड यहाँ पे एकदम से राइट आंसर है। तो आप सी यहाँ पर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। यहाँ देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप इज़ नॉट अवेलेबल इन एक्सेल 2010, तो लिखा गया है कि कौन सा चार्ट टाइप एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और लेजेंडर चार्ट। तो लेजेंडर चार्ट दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लाइन चार्ट अवेलेबल है, बार चार्ट और पाई चार्ट। अगर आपने ज़रा सा भी कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो ये आपको बड़े आराम से पता होगी ये बात। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, MS Word 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किसी की प्रतिलिपि बनाने के लिए, कॉपी बनाने के लिए किसका किया जाता है, तो यहाँ लिखा गया है दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट है, कंट्रोल शिफ्ट और सी, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट सी प्लस करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर MS Excel 2010 में उपयोगकर्ता या तो खाली जगह व्यू या खाली जगह व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। तो आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है आपके लिए ऑप्शन ए, डिजाइन डाटा शीट में ये सारे काम किए जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी, CDR ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। बाद बाकी ऊपर हार्ड डिस्क, रोम, रैम वर्तमान कंप्यूटर में काम आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क पहले काम आया करती थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा कि अभी यहाँ पर हम नहीं समझा सकते, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि अब आप समझ समझ के पढ़ें। अब तो आप MCQ देख लीजिए और आपको पेपर क्रॉस करना है कैसे भी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गए हैं, अबेंडेंट भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ नई वस्तुओं को क्लाउड पर डेटा एकत्रित करने और विनिमय करने में सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, यहाँ पर IOS है, ठीक है ना, IOS है ये। आपको थोड़ा छोटा लगेगा तो ऐसे मत समझना कि ये क्या है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे वर्कशीट में एक क्षेत्र से स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने के लिए और किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए आप प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर किस शॉर्टकट की का आप प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन सी, यहाँ पर होम टैब में फॉर्मेट पेंटर बनाए बटन का उपयोग करके, और आप इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। ये देखिएगा, यहाँ पर USB का पूरा नाम क्या है, कई बार पूछा गया प्रश्न है USB का पूरा नाम क्या है। तो ये यूनिवर्सल बस आपके सामने, आप बस को ध्यान रखना, और उसके बाद में देखो कई में बस जोड़ दिया क्योंकि आपको कंफ्यूज करने का टारगेट रहता है यहाँ पर, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। या क्वेश्चन नंबर 10 है, DBMS कॉमा SCID प्रॉपर्टी का अनुकरण करता है, तो यहाँ SCID का मतलब क्या है,
यहाँ पूछा गया आपसे, तो ऑप्शन नंबर बी पे चले जाइए। यहाँ पर गलत आंसरों को देखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि सिर्फ मतलब पूछा है। तो ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर दे रखा है, जो कि SCID का पूरा मतलब है। मतलब क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है आपके सामने। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए मॉडेम का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। MS आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापना प्रतिक्रिया के सही चरण क्या हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए पर आप देख लीजिए, आउटपुट में पहले अपनी सामग्री को PST फाइल रूप में निर्यात करना, और एक ही बार में अलग अलग कंप्यूटर पर या किसी अन्य प्रोफाइल में सब कुछ आयात कर लेंगे। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ दोस्तों देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात करें तो यहाँ MS विंडो, MS विंडो 7 और MS विंडो 8, और नीचे लिखा गया है MS XP। ठीक है, तो दोस्तों MS विंडोज 9 आया है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाद बाकी सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि 9 को ही हमने वर्जन आज तक देखा नहीं, 8 या तो 8 आई थी विंडो, उसके बाद 10 आई थी, बाद बाकी सभी जो विंडो आपके कंप्यूटर में डलती हैं वे सब कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करती हैं, सो इससे उसको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। 9 कोई भी नहीं था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप यहाँ पे। GBPS का अर्थ क्या होता है? तो GBPS का अर्थ यहाँ देख रहे हैं, गीगा वाइट प्रति सेकंड। GBPS गीगा वाइट पर सेकंड यहाँ पर एकदम राइट आंसर है। और राइट आंसर क्या है, ये इसकी देखना फुल फॉर्म है दोस्तों, है ना। तो कुछ फुल फॉर्म आपको और भी एक्स्ट्रा देख लेनी है, और थोड़ा कॉमन सेंस से भी पता कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, तो ईमेल संचार सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी MS आउटलुक ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर खाली जगह एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाई गई फाइलों और फोल्डरों को सभी अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी रिसाइकल बिन। जरा सा भी अगर आपने कंप्यूटर का यूज़ किया है तो आप बड़े आराम से इसको समझ जाएंगे। रिसाइकल बिन में ये सारे काम किए जाते हैं। रिसाइकल बिन जितनी फाइलें आप डिलीट करते हैं रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, DVDR का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, आर लगा हुआ है तो पीछे उसका मतलब है क्या, रिकॉर्डेबल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारे। व्यक्तिगत वन आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर ओ सॉरी कथन नंबर 2 है यहाँ पर। स्प्रेडशीट के सेल में नाम वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं, तो अब यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, व्यक्तिगत वन कथन गलत है और दूसरा कथन व्यक्तिगत सही है, क्योंकि आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, 19 नंबर क्वेश्चन। विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर वर्ड फाइल का उपयोग करके, तो वर्ड फाइल का उपयोग करके कोई सॉफ्टवेयर नहीं किया जाता, आप वैसे भी जानते हैं, क्योंकि इंटरनेट से किया जा सकता है, CD से किया जा सकता है, विंडो स्टोर के माध्यम से किया जा सकता है, वर्ड फाइल से कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं? कोई नहीं किए जाते। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, शॉर्टकट की पूछी गई, जो ऑप्शन नंबर बी Ctrl Shift C जो आपको कॉपी करने के लिए काम आती है। MS वर्ड में कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? एक तो कॉपी होता है, एक कॉपी फॉर्मेटिंग है, तो Ctrl Shift C से किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो Ctrl M। आप बड़े क्वेश्चन देखिएगा, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस का पूर्ण रूप है, एक कथन ये है। दूसरा कथन है, MS एक्सेल में
सेल रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। तो दूसरा भी सही है और यहाँ पर पहला भी सही है, दोनों व्यक्त फर्स्ट एंड सेकंड आपके सामने सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स खाली जगह के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी क्लाउड स्टोरेज सर्विस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वेब सर्विस कहते हैं। वेरी गुड। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट, आपके साथ किसी दस्तावेज़ में कोई बुक मार्क डालने के बाद आप बुक मार्क में खाली जगह बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुक मार्क को संदर्भित कर सकते हैं। किसके द्वारा संदर्भित हो सकता है ये? क्रॉस रेफरेंस के द्वारा ये सब हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडो 10 मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर स्प्रिंग टूल का उपयोग करके किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, मान लें कि प्रत्येक अंक B2 से B सेल में है और प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम 100 अंक होते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र सही होगा? दोस्तों यहाँ देखिएगा आपके सामने ऑप्शन जो B दे रखा है, यहाँ पर ये सम फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें, जो कि आप जानते हैं कि जब सम फॉर्मूला लगाओगे तो ये इन सब का तो हो गया सम, उसके बाद में ये इसके बटे में रख दिए गए पूर्णांक 600 और उसका मल्टीप्लाई कर दिया गया 100 से। तो इसका मतलब ये हमारा एकदम परसेंट निकालने का सही तरीका है, क्योंकि मार्क्स ऐड हो गए, ये सब ऐड हो गए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की 36 पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि विकल्प दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी में देखा गया है स्टेटस बार, जो कि नीचे प्रदर्शित होता है। वैसे तो हर किसी फाइल के नीचे स्टेटस बार आता है और आप शो करके रखेंगे तो ज़रूर दिखाई देगा, आपने हाइड कर रखा होते एक अलग बात है। और स्टेटस बार में आपकी फाइल का पूरा स्टेटस दिख जाता है, तो कितने पेज हैं, कितनी संख्या है, एमएस वर्ड में आप देख सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एमएस पावर पॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इंसर्ट के द्वारा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर पावर पॉइंट ही यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने। कौन सा विंडो 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर मैथ इनपुट टूल ऐसा काम कर सकता है कि गणितीय गणनाओं के अंदर उनको वहाँ इनपुट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, SQL का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या देख रखा है, भंडारण एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित, प्रबंधन और दूरस्थ रूप से बैकअप किया जाता है और उपयोगकर्ता को आमतौर पर नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज में ये सब काम होते हैं दोस्तों, क्लाउड भंडारण हो जाएगा यहाँ पे, क्यों खाली जगह दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित कर सकता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी राइट है, एक्टिव अटैक इस काम को कर सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों पेंट में ये काम नहीं हो सकता, बिंग में हो सकता है, याहू में हो सकता है, गूगल में हो सकता है, कि वो सब नेट में काम आते हैं। देखने वाले हैं हम यहाँ पर और देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है। एक मैंने 36 नंबर क्वेश्चन भी डाल दिया है यहाँ पे लिए एक्स्ट्रा आपके लिए, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये आज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो F5 से आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं, वो राइट क्लिक करके तो कर ही सकते थे। तो चलिए दोस्तों ये आपका एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया, हम दूसरा करने वाले हैं, तीसरा, चौथा, चार मॉडल पेपर करेंगे। और आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा
और अगर थोड़ी सी भी मदद मिलती दिख रही है तो चैनल ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।